करने का पालन ट्रिपल आप 13 में जो क्रक्स वर्ड होती है, जो हेडिंग होती है, जो कैप्शन होता है, केवल आप रीड रिकॉर्ड एंड रीड। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए पास, द रियल स्टोरी के यूट्यूब चैनल से मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको मेमोरी के बारे में थोड़ी सी ट्रिक देने यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि हमारे सीए सिलेबस में या किसी भी पढ़ाई, कोई भी आप पढ़ाई करते हैं, मेमोरी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो पढ़ाई की है और एग्जाम हाल में, वो वैसे ही कि वैसे आपको याद आए, इसके लिए जरूरी है कि आप छोटी छोटी टिप्स टेक्निक का इस्तेमाल करते चले, क्योंकि आप टिप्स टेक्निक का इस्तेमाल करते चलेंगे तो यही चीज आपको एग्जाम हॉल में मदद करेगी और सफलता दिलाएगी। मैं पढ़ी हुई चीजों को कैसे याद रखता था, मेमोरी में डाटा को स्टोर कैसे करता था, इसके बारे में मैंने पीछे भी कई वीडियो जारी किए हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी ट्रिक मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। दोस्तों, मैं किसी भी चीज को याद रखने के लिए ट्रिपल आर टेक्निक का पालन करता था। ये ट्रिपल आर क्या है? ट्रिपल आर मतलब रीड रिकॉर्ड एंड रिव्यू। दोस्तों, आप जो भी पढ़ाई करते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ने के लिए उठाया है, आप उसके पैरा को प्रॉपरली रीड करिए। रीड करने के बाद उसको रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो एक्टिविटी एक साथ चलेगी। एक तो आपने पढ़ाई की, यानी आंखों से देखा और आपने स्टडी की, रीड किया, और दूसरी एक्टिविटी आपने लिखने की, यानी हरकत वाली एक्टिविटी की। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि मंडे टू सैटरडे आप अपना टाइम टेबल बनाकर स्टडी करें, रीडिंग करें। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, उसका मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो जारी किया है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो जो आपने टाइम टेबल बनाकर, जो आपने पढ़ाई की है, आप जो भी आपने टाइम टेबल बना के आपने रीडिंग की है मंडे टू सैटरडे, अब समय आता है कि जो आपने हफ्ते भर रीडिंग की है उसके बारे में आप रिव्यू करें, यानी रीड रिकॉर्ड और रिव्यू। तीन, ये ट्रिपल आर हैं, ये तीन आर हैं जिनका कि आज से ही आपको अभ्यास करना है। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे कंपनी में जॉब करते हो, आप किसी भी पद पर हो, अगर आप ये आदत डाल लेंगे तो आप उम्र के किसी भी दराज में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आप रीडिंग करने की आदत रोज डालें, आप स्टडी टेक्निक्स में हमने आपको पीछे बताया है, टाइम टेबल बताया, आप उसका पालन करें, वैसी पढ़ाई करें और रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड मतलब शॉर्ट कैप्शन बनाना। अगर आपने पैरा पढ़ा है तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा था पूरे पैरे को लिखें। पैरा में जो क्रक्स वर्ड होते हैं, जो हेडिंग होती है, जो कैप्शन होता है, केवल आप कैप्शन को ही लिखें, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आपको कैप्शन याद आ गया, वो कीवर्ड याद आ गया, तो पैरा अपने आप याद आ जाता है। दोस्तों, तो आपको कीवर्ड रिकॉर्ड करनी है। और तीसरा, हर संडे को अपने आप को 2 घंटे दीजिए और उस 2 घंटे में आप रिव्यू करें कि मंडे टू सैटरडे आपने क्या किया था। अगर आप ये रिव्यू करने की आदत डालेंगे और एनालिसिस करने की आदत डालेंगे तो ये आपको प्रोग्रेसिव एक रिपोर्ट देगा। और निश्चित है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कि जो आपने पढ़ा है वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि रिव्यू करने से जो रीड और रिकॉर्ड की प्रोसेस है वो रिकॉल हो जाती है। दोस्तों, हम आने वाले वीडियो में इससे संबंधित, मेमोरी टेक्निक संबंधित और भी वीडियो जारी करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ
पढ़ाई के रियल स्टडी मंत्र शेयर करने वाले हैं। ये ऐसे मंत्र हैं जो मैंने अजमाए हैं और वो हर तरीके से खरे उतरे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, हम बहुत जल्दी अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।